नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पीएस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर विजन के ऑनलाइन क्लासेस में वर्कशॉप में करता हूँ। स्टूडेंट्स, फिर आज हमने एक नया टॉपिक लिखा है अकाउंट्स में, जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक्स आपको हर किसी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी टॉपिक को लोग ध्यान नहीं देते हैं, केवल टैली में फोकस करते हैं। तो वीडियो को सुनने से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर देगा, यानी अकाउंटिंग में आपको काफी आगे ले जा सकता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नया क्लास विजुअल फिट कंप्यूटर विजन के ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रूल्स ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब कि ज्यादातर मैं देखा है बच्चों को जो भी संस्थाएं टैली सिखाती है पढ़ाती है वो फोकस कराती है केवल टैली पर। टैली फोकस कराने का मतलब है कि टैली पर कैसे उनको बिल बनाना है, यानी कैसे उनको लेजर बनाना है, कैसे आपको बाउचर एंट्री पास करना है, और उन्हीं बाउचर लेजर पे कॉन्सेप्ट करके उसके इंटरनल ऑप्शंस के बारे में समझाए जाते हैं, जैसे आपके उनके उसके फंक्शंस के बारे में, उसके इन्वेंट्री के बारे में, उसके टैक्सेस के बारे में। लेकिन उन बच्चों को ये संस्थाएं इन्हीं चीज को पढ़ाते पढ़ाते 5-6 महीना लगाकर एक सिंपल क्वालिफाइड सर्टिफिकेट देते हैं कि आपकी टैली की जानकारी हो गई। तो बच्चे इसी चीज को देखते हुए मार्केट में जाकर कहीं जॉब करना चाहते हैं अकाउंट्स में, और अकाउंट्स में जब वो जॉब करने जाते हैं तो उनको हमेशा एक बैड इफेक्ट मिलता है कि भैया अभी जॉब नहीं है, बाद में मिलेगा, यानी मुझे एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है। एक्सपीरियंस वो भी केस ऑफ द अकाउंट्स की जरूरत है, उनको अकाउंटेंट चाहिए, ऑपरेटर नहीं। आपने जो टैली में किया वो केवल एक ऑपरेटर पर्पस होता है, यानी आप बिल पुर्जा बना सकते हैं लेकिन अकाउंटेंसी नहीं कर सकते। अकाउंटेंसी का मतलब जो आपने हिसाब अकाउंट में लेन देन किया है उसके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का हिसाब किताब तैयार करना है, कितनी कंपनी को लॉस हुआ है, कितनी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कहाँ कंपनी को ज्यादा एक्सपेंस दिखाना है, कहाँ पे आपको ज्यादा इनकम दिखाना है, किस चीज में डोनेशन दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है, ऐसी चीजों का कंप्लीट, कितना आपका जीएसटी आया है, कितना सामने वाले पार्टी का पेमेंट हुआ है, बैंक का रियलाइज कंडीशन क्या है, रिकॉन्सिलेशन कैसे मेंटेन करना है, ये सारे स्थिति को मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप कॉमर्स साइड की हो या न हो, लेकिन अगर मैनुअल अकाउंटिंग से आप टैली को स्टार्ट करते हैं सीखना तो आपको कभी भी पलट के अकाउंट्स में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो हम जाने कि अकाउंट्स में प्रॉपर काम करने के लिए मैनुअल अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रूल्स ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि मैनुअल अकाउंट होता क्या है। अकाउंट दो व्यक्तियों के बीच होता है, एक लेनदार एक देनदार, एक डेबिटर और क्रेडिटर। जैसे मैंने आपको सिंगल एंट्री सिस्टम बताया था, डबल एंट्री सिस्टम से आएगी, दोनों में क्या अंतर होता है। अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हर जगह इंटरव्यू सेक्शन में ज्यादातर बच्चों से पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक डेबिटर्स और एक क्रेडिटर्स के बारे में, एक मैंने एग्जांपल है, एक स्ट्रक्चर बनाया है कि रूल्स ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग को कहां से स्टार्ट करना है, कहां जाके आपका अकाउंट्स का एंड होता है। एक स्ट्रक्चर दिखाया है कि राम परचेज, यानी राम से 10,000 का आपने सामान खरीद लिया, एंड श्याम सेल, यानी श्याम को 15,000 का माल भेज दिया, आपने 10 का कोई खरीदा और 15 का आपने बेच दिया। तो जब आप खरीदोगे तो परचेज भी मिलेगी आपको, जब आप बेचोगे तो भी आपको सेल भी बनाना पड़ेगा ना। तो इसी परचेज और सेल्स को हम जैसे जल्दी देखिए क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन, यानी मैंने क्या हुआ, यहाँ राम से सौदा हुआ, यहाँ से श्याम से सौदा हुआ, इसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन यानी सौदा। ठीक है, तो इसी सौदे को हमें प्रूफ करने के लिए रसीद बनाते हैं, इसे बाउचर कहते हैं, उस बाउचर का हम कॉपी भी कहते हैं, उसको जनरल एंट्री कहते हैं। कंप्यूटर पर बना दिया उसको बाउचर एंट्री कहते हैं, अगर किसी प्रोफेशनल जगह यानी उसने कंप्लीट जीएसटी के साथ बना दिया तो उसको रिलायंस बिल कहते हैं, अगर नगद लेन देन किया तो उसको कैश फ्लो कहते हैं। तो एक ही चीज के कई सारे नाम है, इसी को हिंदी भाषा बोलते हैं रोज नामचार, यानी टैली मैनुअल में जैसे आप टैली में सबसे पहले लेजर और जनरल एंट्री पास करते हैं, उसी तरीके से सबसे पहले अकाउंट्स में क्या होता है, जनरल एंट्री पास की जाती है, किस व्यक्ति से आपने क्या खरीदा है, किस व्यक्ति को क्या बेचा है। उनके बाद आप सेकंड चरण में आओगे जिसका नाम है, लगभग देखा जाए तो टैली में केवल आप इसी को फोकस करते हो, जनरल और लेजर की बात करते हैं, यानी लेजर वहां पे किस खाते में कौन सी एंट्री आपको जो डालना है, वो एक्सपेंसेस है, इनकम है, एक्सेस है या इन्वेस्टमेंट है, उसके अनुसार आप लेजर बना देते हो और प्लस इसकी जनरल एंट्री, यानी टैली में सारे सबसे पहले जनरल बनाते हो, फिर लेजर बनाते हो, बाउचर बनाते हो, और कॉपी में सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, जनरल, यानी किस व्यक्ति से मुझे लेन देन करना है, उसकी जनरल एंट्री पास कर दिया। जनरल एंट्री पास करने के बाद उस व्यक्ति का क्या हिसाब होगा, उसका अलग अलग अकाउंटिंग करना, यानी उसका अलग अलग खाता तैयार करना,
जो टैली में ऑटोमेटिक बन जाती है, लेकिन मैनुअल में आपको अलग अलग, जैसे हमें पता करना है कि रात का क्या हिसाब हुआ, या हमें पता करना है कि नहीं शाम का क्या हिसाब हुआ, इन दोनों को हिसाब को अलग अलग स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है। तो लेजर पोस्टिंग से ये पता लग जाता है कि रात का क्या हिसाब निकल रहा है या शाम का हिसाब क्या निकल रहा है। इसको मैनुअल तैयार करने से आपकी अकाउंटेंसी क्लियरिंग होती है। उनके बाद ये जो मुझे टैली पे आप कर लेते हैं, तो ये चीजें आपके टैली में ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट बन जाता है, ठीक है, ट्रायल जिसको आप बोलते हैं दर्पण। तो ट्रायल का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रायल बनाया क्यों जाता है? और तो ट्रायल ये बना इसलिए बनाया जाता है कि हमारा जो भी मैंने वाउचर या लेजर बनाया है, इन दोनों के बैलेंस को मिलान करते हैं। अगर हम जब मैनुअल ट्रायल बनाएंगे तो यहाँ पे दोनों पक्ष, यानी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो जितना हमारा डेबिट हो जाएगा उतनी हमारा क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा ही है, यानी दोनों इक्वल बराबर होना चाहिए। अगर दोनों में कोई डिफरेंस होता है तो कहीं कहीं या इस जनरल में गड़बड़ी है या आपके वाउचर में गड़बड़ी है। लेकिन ये काम अगर आप कहीं भी करेंगे तो चाहे आप गलत हेड बना दिए या गलत पावर बिल पास कर दिए या गलत हेड बना दिए, तो भी ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाता है, वो ये नहीं बताएगा गलत है या सही है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको मैनुअल पे ध्यान देना होगा। मैनुअल जनरल एंट्री कीजिए, मैनुअल ट्रायल बनाइए, लेजर बनाइए, फिर उसके बाद मैनुअल ट्रायल से पता लग जाता है कि हमारा क्या हिसाब है, दोनों हिसाब सही या गलत है। उनके बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए, यानी व्यापारिक खाता बनाया था कि मैंने किस व्यक्ति से कितना खरीदा था, किस व्यक्ति से कितना बेचा था। तो इसी बेच खरीद में हमें पता लगता है, इस सेक्शन को बोलते हैं व्यापारिक खाता। तो जैसे मैंने 10 का खरीदा है और 15 का बेच दिया, तो मुझे बचा कितना, 5,000। तो 5,000 जो हमारा निकला हुआ है वो हमारा क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल सकता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, यानी अगर हम यहाँ पे लिखा जाए कि 5,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, यानी बचा हुआ है, तो इसको बोलते हैं जीपी। जीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे हमारे को 5,000 रुपए लेन देन करने के बाद बचा हुआ है, तो उसी 5,000 में से फिर हम खर्च करते हैं अपने सैलरी को, अपने टैक्स को, अपने मेंटेनेंस को, जो भी आपकी कंपनी की एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होती है, जब उसको आप खर्च कर देते हैं तो फिर आपको चाहे जो बचता है वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन सारे एक्टिविटीज को एक जगह आप व्यवस्थित करके दिखाते हो कि इस साल मैंने व्यापार में इतना पैसा लगाया था, इतना हमारा लेनदारी है, इतना हमारा लेनदारी है, इतना हमारा एसेट्स है, इतना हमारा लोन का कंडीशन है। ये आप जो पूरा ब्यौरा आपके सामने आखिरी स्टेटमेंट बना के जो 31 मार्च को दर्शाया जाता है, जिसका नाम है बैलेंस शीट। तो ये चीज स्टूडेंट, जब तक आपको मैनुअल ऑनलाइन नहीं आएगा तब तक आपको टैली चलाने से कोई भी फायदा नहीं है। यदि आप कंप्लीट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने मैनुअल पर फोकस करें, यानी अकाउंटेंसी में मैनुअल अकाउंटिंग का फोकस करें कि मैनुअल एक जनरल से ट्रायल बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही काफी है, मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो अगर समझ में आया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।